और भी लड़के क्या हाल, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मैं तो बोल रहा हूँ। अरे भैंस नहीं हो रही, ये खाएगा, ये और फरार हुए। तो ये मेरा वेट कर रहा था। क्या मन्नत मांग रहा है? जब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास बड़ी बड़ी महंगी महंगी स्पोर्ट्स बाइक नहीं होती, तो पता है हम लोग कैसे अपना वो होता नहीं, एक आवाज होती है स्पोर्ट्स बाइक की, वो कैसे करते हैं एंजॉय? पता कैसे करते हैं ऐसे? तो अगर इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि आपके पास स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, तो आप मिक्सी के पास या फिर ग्राइंडर के पास जाके जस्ट उसको केला केला बूम 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 बूम। एक इन्फॉर्मेशन है, ये जो साइड दे रखी है ना, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे जाके ना ये स्टेप्स कंप्लीट कर लो, ताकि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाए। और ये आप घर पे बैठ के कर सकते हो, अपने मोबाइल से, पीसी से या फिर अपने लैपटॉप से। तो ये था आज का ज्ञान। और बताओ सब ठीक, सब सही चल रहा है? आ गया। और भाई लड़के क्या हाल, करीब कितने दिनों बाद देखने को मिल रहा है? झूठ बोला अभी, मुझे ट्रेन की आवाज आ रही थी अभी। Here I come. Oh, here I come. जिंदा थी नहीं, ट्रेन निकल के गई होगी। लो प्रातः आपके लिए समोसे। जैसे कि आपका व्रत नहीं है और पहली बार घर में समोसे आए, हम ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब कैसे कैसे दिन आ गए, घर पे समोसे आए और हम गा नहीं सकते। नहीं मिलेंगे तुझे कभी समोसे? अरे मिलेंगे। व्रत का फायदा क्या हुआ? व्रतधारी को मुंह में पानी नहीं लाना चाहिए। बट वो तो सलाइवा होता है। ओह समोसे, मैं तो पहली बार समोसे देख रहा हूँ भाई। भाई मैंने कभी समोसे नहीं खाए, पता है? हनी दादा आपको पता है हमारा फर्स्ट वो आ गया है। क्या स्पॉन्सर्स? कितने रुपए मिल रहे? 10,000 रुपए। आर यू कॉमेडी मी? तो आपके हिसाब से उसको अनबॉक्स कब करना चाहिए? 1 हफ्ते के बाद करेंगे ना, जब अपना पेपर खत्म हो जाएगा, आराम से करेंगे एकदम। ऐसे 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 ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटूंगा, ठीक है? तेज बोलने के लिए कहा था ना आपने, तेज ही बोल रहा हूं। तो तुझे पता है ना मेरी माइक प्रॉब्लम है, यू नो ना मैं कितना सफर करता हूँ आवाज के वजह से, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मैं तो बोल रहा हूं। अरे भैंस नहीं हो रही। एंड हनी ने अपने लिए जो शूज ऑर्डर करे थे, फाइनली हनी उसको अपनी आंखों से आज पहली बार देख रहा है। सोचो कितने दिन हो गए, करीब कितने दिन हो गए, पापा 15 दिन बोले थे, 17-18 दिन से ये पड़ा हुआ है और अभी तक खोला नहीं था, आज ये खोला है। आपको संतुष्टि है ना कि आपने जो अपने लिए मंगाया वो ठीक है? अब दिल संतुष्ट होना चाहिए, समझ रहे हो? दिल संतुष्ट होना चाहिए। एक बात बताएं हम आपको, बात ये है कि जब आप लोग वीडियोस देखते हो ना, व्यूज का तो पता चल जाता है कि मेरे ब्लॉग्स पे या लाइव पे या फिर शॉर्ट्स पे इतने व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कौन कौन वीडियो देखता है? क्योंकि मैं पर्सनली इतने लोगों को मैसेज करता हूँ, समझ ही नहीं आता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मैसेज में तो लिख दे कि हाँ देख लिया और क्या नाम है, क्या कहते हैं, हाँ देख लेंगे या फिर जो भी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कभी कभार आप लोग इग्नोर कर रहे हो? मतलब इतने बुरा कंटेंट देता हूँ क्या? इतना बुरा हूँ क्या मैं माँ? आज है मंगलवार, तो आज आ रहे हैं श्री श्री गोलोक धाम संकीर्तन मंडल मुजफ्फरनगर। जयकारा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। नॉर्मल डे से आज ज्यादा थोड़ा क्राउड दिख रहा है। हनी घर पे अकेला है तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, और आज हम लोग इनका वो क्या कहते हैं कीर्तन भी नहीं सुनेंगे। तो देखते हैं अब घर जाके क्या बनता है, क्या खाते हैं, हनी भाई के लिए क्या जुगाड़ है। गाइस मैं जानता हूँ मैं दिख नहीं रहूँगा क्योंकि लाइट्स बंद हो चुकी है, लेकिन पंखे की आवाज़ है ना, नींद बहुत अच्छी आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, लाइट ऑन हो गई है। ओके नाउ इट्स गुड। ओके ये बिल्कुल बहुत आँख पे, तो आँख बंद करके इस व्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। मिलते हैं कल 8th डे पे नवरात्रि का। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड मिलते हैं जल्दी, बाय। और भाई सुना है आज आपका व्लॉग क्या कहते हैं व्रत है आपका व्रत है? भैया थोड़ा सा देना, भैया थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा लेस चिप्स, बट कॉमन सॉल्ट नहीं है, सेंधा नमक सबसे बढ़िया नमक। ओ भाई आज तो हमने मंदिर ही नहीं दिखाया। अष्टमी पे हमारे यहाँ पे मतलब की गोला चढ़ाया जाता है, और ये रही हमारी माता रानी,
और ये रहे हमारे लड्डू, और ये रहे हमारी बर्फी, और ये रही हमारी दूसरी माता रानी। पाए लागू, जय माता दी। दियार वाती हम भाई मेमोरी, ये अगर किसी ने नहीं देखा ना तो आप लोगों ने अपना चाइल्डहुड नहीं जिया। खैर लाइटिंग ज्यादा अच्छी रहती है, उस दिन डार्क डार्क हो गया था, अब थोड़ा चमक रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। वो पता है आज डेट है 29th of March और मेरे करीब 3-4 व्लॉग्स मेरे पेंडिंग में पड़े हैं। सोचो 4 व्लॉग्स, मैं बताता हूँ कैसे। 5-6 डे का पेंडिंग में, 7-8 मतलब कि आज के दिन का, 2 व्लॉग ये हो गए, 3 वीडियोस पड़ी हैं पेंडिंग में। आई मीन 2 व्लॉग और 3 वीडियोस, मतलब 2 व्लॉग 2 वीडियोस पेंडिंग में पड़ी है एडिट होने के लिए। सोचो अब मैं टाइम निकालू तो निकालूगा। मुझे एक मूवी भी देखनी है अवतार, उसकी HD वो आ गई है क्वालिटी, तो मुझे वो भी देखना है। और मैं फंस गया हूँ क्योंकि पढ़ाई भी करनी है यार। पता है मैथ्स कितने इजी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इस बार, तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन नहीं है, तो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, करीब 90 क्वेश्चंस के आसपास है वो सॉल्व करने हैं। और ऐसे करके बहुत सारे काम है, घर के काम भी होते हैं, मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है, हनी आया हुआ है, इसके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अब ये एक बंदा करे तो करे क्या, सोचो कितनी दिक्कत है। ग्रेप्स खा रहा है, ग्रेप्स ये खाएगा, ये खाएगा, देख ले, चूज वन, इसको बस खाना है। एक न्यूज देनी है, अभी जो व्लॉग में होने वाला ना, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो SP सर ने एक प्रोग्राम कराया है माता रानी के भेंट भजन कीर्तन वो करा रहे हैं, तो वहीं पे चलते हैं, दिखाता हूँ कि जेल पर ऐसे फंक्शंस कैसे होते हैं और कितनी भीड़ आती है, मेरे को खुद नहीं पता है। अभी मेरे लिए कोई वेट कर रहा है, उसके साथ चलते हैं। आवाज तो यहाँ से आ रही है, और मैं इसकी बात कर रहा था, ये मेरा वेट कर रहा था। क्योंकि कृपा न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए अब सब लोग यही तो वही गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से के कुछ हो जाए सारा तो फिर ठाट देता है ज्यादा उड़ने वालों के पर। प्यारे हमारे घर पे काला बच्चा हो जाए ना, पता नहीं किसकी नजर लग गई, कट देगी नहीं। और हमारे सांवरे को देखो ठाकुर काला काला है, उसे देखकर दुनिया कहती है इसके जैसा तो कोई खूबसूरत ही नहीं। कितना प्रेमी है, प्रेमी जनों का प्रेमी है। और ऐसी ऐसी वार्ता अगर आप चरित्र पढ़ते हैं, आप सब लोग जान पा रहे हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कैसा चरित्र है सुदामा का। कुछ बात नहीं, फटे हाल फिर भी उसे अपना यार बना लिया। स्टेशन है आवाज को सुनते हैं प्रेम के आंसू जिन पर रहते हैं। युग और जाकर कहनी लगी आजा 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 आजा
कि हम शिकार बार बार हुए और अजीब सी बंदगी है उनकी मोहब्बत में के नाम से कहते और नाम फरार हुए। आई बेट मेर से ज्यादा लेवल की खीर किसी को नहीं मिली होगी, मतलब ऑलमोस्ट फुल ही है। अब अपने घर की पूजा कर लेते हैं अपनी माता रानी की, और फिर आज हनी आया है तो आज हनी के साथ वैष्णो देवी मंदिर जाना है। मतलब डेली तो जाना ही था, नवरात्रि में पूरे 9 दिन जाना था हमें अपने यहीं पे पास वाले वैष्णो देवी मंदिर। आज 8वें दिन का है, फिर कल नवरात्रि मतलब नवमी का है। और जेलवासियों, अगर आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो गई थी पता है। ए भाई कुछ तो है, क्या मन्नत मांग रहा है? हाँ भाई बोलो बोलो, अरे बोलो 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 तो, अरे कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। अजनबी गाइस, आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक छोड़ते हुए जाना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर होना चाहिए भैया, मुझे नहीं पता, जय माता दी लिखना पड़ेगा जबरदस्ती है समझो। तो मिलते हैं जल्दी ही, टाटा सी यू, गुड नाइट, बाय।